नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है नगर संग्राम का। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं प्राइम टीवी की टीम अपने खास कार्यक्रम को लेकर बहराइच रायपुर राजा वार्ड नंबर 6 पहुंची है, जहां सभासद निर्दलीय प्रत्याशी प्राची श्रीवास्तव और उनके पति पुष्कर श्रीवास्तव मौजूद है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी से जानेंगी कि क्या क्षेत्र के अहम मुद्दे हैं और अगर उन्हें जनता चुनकर भेजती है तो किन प्रमुख समस्याओं पर काम करते हुए नजर आएंगे, साथ ही क्षेत्र में कैसा समर्थन देखने को मिल रहा है। बता दें कि निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां, सभी दल, सभी प्रत्याशी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने काम को, अपनी बातों को जनता के बीच रख रहे हैं और विश्वास दिलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव 4 मई को होगा, जिसको देखते हुए सभी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं, सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, हर तरफ चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखें सामने आई, उसके बाद से ही सभी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई हैं, सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, अपने कामों को गिना रहे हैं और पूरी तरह से विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निकाय चुनाव की हलचल तेज हो गई है। बता दें कि 4 मई को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे और इसी को देखते हुए सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। तो हम अपने खास कार्यक्रम में स्वागत करते हैं प्राची श्रीवास्तव और उनके पति पुष्कर का। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। प्राची जी, आप सभासद पद की दावेदारी कर रही हैं, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा आप सभी को नमस्कार और मेरे वार्डवासियों को मेरा नमस्कार, पूरे उत्तर प्रदेश को मेरा नमस्कार। मैं बस यही कहना चाहूंगी, मैं प्रोफेशनली वैसे आर्किटेक्ट हूँ और ये सभासदी पद मुझे लगता है कि एक आर्किटेक्ट से अच्छा मोहल्ले को विकास की ओर नहीं ले जा सकता, तो मेरा एक कदम विकास की ओर है और जो हमारे में चीजें लोग फेस कर रहे हैं और समस्याओं को झेल रहे हैं, उन समस्याओं को सुनकर के मुझे ये निर्णय लेना पड़ा है। पुष्कर जी, मेरा सवाल आपसे है, आपकी पत्नी सभासद की दावेदारी कर रही हैं, क्या लग रहा है उन्हें जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? मैम, प्यार तो बहुत मिल रहा है जनता का और जनता इस बार बदलाव चाहती भी है और हमें जहां तक जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं उससे भी पता चल रहा है कि जनता हमें अच्छा प्यार देगी और इस बार हम लोग विजयश्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्राची जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और ये भी बताएं कि आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई। मैं मेरा वैसे परिवार में कोई राजनीतिक में नहीं है, मैं पहली हूँ जो इस क्षेत्र में एक कदम बढ़ाया है और वो भी मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि मैं प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ और बहराइच में ही सेवा मैं दे रही हूँ, इकोना में भी हमारा ऑफिस है और मैं बहराइच में भी सेवा बराबर दे रही हूँ, लेकिन जो जनताओं से मैं मिल रही हूँ बराबर, मैं प्रोफेशन के जरिए जनता से मिल रही हूँ और जनता से मिलने के बाद बहुत सी समस्याओं जो ऐसी है कि उनकी आंखों में सिर्फ आंसू है और उन आंसुओं को देखते हुए मुझे ये निर्णय लेने पे मजबूर होना पड़ा कि मैं उन लोगों के लिए एक आवाज उठाऊं, क्योंकि अगर हम में से कोई एक आवाज नहीं उठाएगा तो जनता की समस्याएं नहीं दूर हो पाएंगी। मैं तो उन समस्याओं को देखने के बाद मुझे लगता है कि यह हर नागरिक का फर्ज बनता है कि आम जनता की समस्याओं को सामने लाया जाए और उनकी हर समस्याओं को दूर किया जाए और मेरे वार्ड में रहने वाले सभी वासियों
का सहयोग जिस तरीके से मिल रहा है, मुझे लगता है कि इस बार प्राची श्रीवास्तव को विजय प्राप्त हो। प्राची जी, हर इंसान का राजनीति में एक मार्गदर्शक होता है, आपका कौन है? मेरे राजनीति जी मेरे प्रिय ताऊ जी हैं जो इस जीवन में नहीं है, और 2 साल हो गया है, मैंने उन्हीं से प्रेरणा मैंने उन्हीं से ली है और उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं चल रही हूँ। और मैं चाहूंगी कि ईश्वर का आशीर्वाद रहा ऊपर वाले का, तो मैं बहुत जल्दी पूरे उत्तर प्रदेश का नाम कर दूंगी। जी, आपके राजनीति के सफर में कौन कौन सी चुनौतियां आई प्राची? चुनौतियां तो मैं कहूँ तो अभी तक चुनौतियों का ही सामना कर रही हूँ बहुत सारी। जब मैंने कदम उठाया जबकि मैं ये चुनाव की तरफ, तो बहुत सारी चुनौतियों मैं नहीं जानती हूँ कि कौन कर रहा है क्या कर रहा है जी। इस चीज के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जरूर है कि कोई ना कोई तो कर रहा है, तभी मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है मैम। बहुत सारे जैसे कि मुझे बताया कि ये तो आम मुद्दा है कि बैनर तो सभी नेताओं का फाड़ दिया जाता है जी। तो मैम मेरा कहना है कि सभी का फाड़ दिया जाता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जैसे कि रात के 12 बजे मैं लगा रही हूँ और 35-36 मेरे बैनर 2 घंटे में पूरे वार्ड से उतार दिए जा रहे हैं, तो आप इसका मतलब समझ सकती है कि क्या दिक्कत है। कोई भी प्रोग्राम करना है, कुछ भी करना है, बहुत अड़चनों का सामना किया मैम। हमारे घर पर गाड़ी खड़ी थी फोर व्हीलर, तो उस गाड़ी पे पूरा कैमरे में सामने आया, वो पूरा मतलब कांच का शीशा मेरा तोड़ दिया गया। तो मैम चुनौतियों से मैं हारी नहीं हूँ, इस चुनौतियों से मैंने सीखा है कि कितना भी ये लोग कर ले, लेकिन मैं घबराने वाली में से नहीं हूँ। ये देश की बेटी है और देश की बेटी जनता से बराबर लड़ सकती है जी। जिस तरीके से जो ये लोग काम कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, मैं लड़ने का पूरा रखती हूँ और पूरा पूरा सहयोग जो मेरा मिल रहा है वार्ड में, ये बेटी बहुत आगे तक इस वार्ड का नाम करेगी जी। पुष्कर जी, मेरा सवाल आपसे है, देश में तमाम पार्टियां हैं, आपने निर्दलीय चुनाव का ही क्यों सोचा? मैम एक्चुअली हर पार्टी की विचारधारा होती है और हर विचारधारा में हर कोई सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो हमारी विचारधारा ये है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि सबको साथ लेकर चलो, सबका साथ सबका विकास हर पार्टी का नारा होता है, लेकिन एक विचारधारा कहीं ना कहीं आ जाती है, तो हमें मैम सबके साथ लेकर चलना था, सबको साथ लेकर चलना था, सबका विकास करना था, इस वजह से हमने निर्दलीय का चयन किया। और मैम हम सिर्फ जी यही कहना चाहेंगे कि हम अगर बात करें अपने पुराने में जाएं जी, तो ईश्वर ने भी किसी चीज में भेदभाव नहीं किया है, हम लोग भी किसी भेदभाव के साथ नहीं है, पूरी जनता का सपोर्ट मिला हो, पूरा जनता हम चाहते हैं हमारा सपोर्ट करे। निर्दलीय का मतलब है जब ईश्वर ने नहीं किया तो हम तो बहुत छोटी चीज है। जब भगवान राम ने सबरी के बेर खाए और कृष्ण जी ने जब सुदामा जी के पांव धुले, तो आप हम लोग तो कुछ नहीं है, तो बस ये जान लीजिए मेरा प्रेरणा स्रोत वही सब है जो आज से पहले हमारे बीच शहीद हो गए, आज भी उनका नाम कायम है। शहीदों की भी कोई पार्टी नहीं थी, उन्होंने सिर्फ अपना जनता के प्रति प्रेम दिया और मैं उन्हीं में से हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी जनता पार्टी है बस। तो प्राची जी, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, मैदान में और भी तमाम पार्टियां हैं, तो किससे आपका कंपटीशन, किसे प्रतिद्वंदी के तौर पर देख रही हैं? मैम वैसे तो मैं यही कहूंगी कि कोई नहीं है और सभी हैं जी, और जी तो सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है वह जनता साथ दे, बाकी प्रतियोगिता में मुझे लगता है सभी प्रतिभागी बराबर होते हैं, निर्णय जनता के हाथ में है। 13 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा ये जनता मुझे बताएगी कि जनता का स्नेह मुझे कितना मिला है जी। प्राची जी, बहराइच रायपुर राजा वार्ड नंबर 6 से सभासद पद की प्रबल दावेदार हैं अभी आप, अभी वार्ड में कौन सी समस्या देखती हैं? मैम वार्ड में जो समस्याएं हैं लोगों के, बरसात में मैं कहूंगी 1 से 2 घंटा लगातार तेज बरसात हो जाती है, तो पूरे मोहल्ले में गलियों में पूरा पानी लगातार एकदम एक नदी की तरह बहने लगता है, इतना जल भराव हो जाता है कि लोगों के घरों में पानी भर जाता है।
मैम नालियां अगर नहीं बनी है वहां की तो अलग समस्या होगी कि बनी ही नहीं है, लेकिन जहां बन गई है वहां इतने विगत सालों से वो बनने के बाद सफाई ना करना होने के बाद उन पूरी नालियां पट चुकी हैं, पूरे रोड में शामिल हो गई हैं, जिसकी वजह से पूरी नालियों का आगे पानी नहीं जा पाता है। ये भी समस्या है, बिजली के तार इतने नीचे आ चुके हैं मैम कि किसी की भी जान का खतरा है और बहुत सारे जानवरों को भी खतरा हुआ है, मोहल्ले वालों ने मुझे बताया है। तो मैम समस्याओं की अगर लिस्ट बनाने बैठू तो बहुत समस्याएं हैं मैम, और जो सरकारी योजनाएं हैं मैम बहुत सारा नहीं पहुंच पा रहा है मैम। तो मेरा यही मानना है कि लोगों तक पूरी योजनाएं पहुंचे और जो हम लोग जनता को देना चाहते हैं और वो जनता तक पहुंचे, क्योंकि हम लोग जो हैं आज वो जनता से ही है मैम। पुष्कर जी मेरा सवाल आपसे है, आप लोग जनता के बीच जाते होंगे उनकी समस्याएं सुनने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, तो अभी जनता का समर्थन आपको कैसा मिल रहा है? जनता में बहुत प्यार दे रही है, बहुत सम्मान दे रही है, और मैं इस चीज से बड़ा गदगद हूँ कि इतने कम समय में सभी ने हमको इतना प्यार दिया। हर कोई जाति विशेष हमारे साथ नहीं है, सब लोग हमारे साथ है, और मुझे लगता है कि इस बार प्राची श्रीवास्तव जी को विजयश्री मिलनी भी चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षित प्रत्याशी होने के साथ साथ एक योग्य प्रत्याशी भी है जी। तो जनता तो खैर प्यार दे ही रही है मैम जी। और मैम एक छोटा सा ये भी एक मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए, जब मैं खड़ी हुई थी स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों का कहना था अरे ये तो बस 15-20 वोट पाएंगे, कितना पा जाएंगे 15-20। आज जनता का ये सहयोग है कि जनता खुद ही कह रही है कि मैम आपके आगे कोई नहीं है जी। तो मैम ये सफर जो तय किया है, ये सफर में मेरा जनता ने बराबर मेरा साथ दिया है, मेरे साथ चलने वालों ने मेरा साथ दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ सभी को। तो प्राची जी आप जनता के बीच किस एजेंडे के साथ जा रही हैं, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही हैं? मैं मेरा मुद्दा तो वैसे उन्हीं का मुद्दा मेरा मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सफाई मैम कोरोना में बहुत सारे लोगों ने फेस किया है, और कोरोना को देखने के बाद भी पता नहीं कैसे ध्यान नहीं दिया गया कि मेरे वार्ड में इतनी बराबर से गंदगियां बनी हुई है और जल भराव के कारण मच्छर इतने हो रहे हैं कि मैम लोगों को डेंगू जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। तो मैम मेरा यही कहना है, और मैं अपने वार्ड में जैसे कि बहुत सारी योजनाएं जैसे लाना चाहती हूँ अपने जरिए, जो जनता को सहयोग देना चाहती हूँ, कंप्यूटर शिक्षा का मैं निःशुल्क देना चाहती हूँ, और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देना चाहती हूँ फ्री निःशुल्क, और महिलाओं के लिए जो कोरोना में हमारे भाई लोग नहीं रहे और उनका जो परिवार है वो महिलाओं को मैं एक साथ देना चाहती हूँ, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए कुछ योजनाएं लाना चाहती हूँ। मेरा यही मुद्दा है मैम कि सभी लोग मेरे वार्ड में खुश रहे बस जी। प्राची जी, पुष्कर जी, मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपनी बात कहने का, प्राइम टीवी के माध्यम से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्राइम टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमें इस काबिल समझा और अपने परिवार में सम्मिलित किया। दूसरी चीज मैं जनता से ये कहना चाहूंगा कि गलत हाथों में कभी भी कमान चली जाती है, इसी वजह से कोई भी काम हो नहीं पाते हैं। आप एक शिक्षित योग्य और कर्मठ प्रत्याशी को ही जिताए, आपके दिल में जो कोई भी हो उसको जिताए, लेकिन वह योग्य जरूर हो। आप एक बार मिले, देखिए चुनाव शब्द बहुत बड़ा होता है मयूर जी, चुनाव का मतलब होता है चूज करना, आप इसे चूज करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जनता इस बार अपने विचारों से अपने मतों का जो है दान हम लोगों को दे, हम लोग चाहेंगे और इस दान का हम लोग हमेशा सही इस्तेमाल करेंगे और कभी किसी का सर झुकने नहीं देंगे। और मैम छोटा सा एक निवेदन है कि लोगों ने मैं आपसे जो भी बात कहूंगी मैम हृदय से बात करती हूँ, थोड़ी शायद थोड़ी थोड़ी कड़वी थोड़ी मीठी बातें रहती हैं हमारी, लेकिन मैम थोड़ा सा मैं ये कहूंगी बहुत सारे लोग हैं कहना है मैम चुनाव तो सिर्फ इस पे और उस पे चलता है, नोटों और बोतलों पे चलता है। तो मैम ये चुनाव मैं बहुत ही साफ और हृदय से लड़ रही हूँ और मेरा राजनीति कर रही हूँ, और इसमें
सहयोग चाहते हैं आप सभी का। और मैं एक छोटी सी कहावत है जो मैं जनता के बीच कहती हूँ, और आज मैं ये कहावत एक क्राइम न्यूज के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ। क्राइम न्यूज बोलना चाहती हूँ, कोई विकास के घोषणों के सहारे बैठा है, जीतेगा वही जो जनता के हृदय में घोषणों के सहारे बैठा है। तो मैम प्राइम न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आज मुलाकात हुई बहराइच रायपुर राजा वार्ड नंबर 6 से सभासद पद के प्रबल दावेदार प्राची श्रीवास्तव और उनके पति पुष्कर से। बता दें कि निकाय चुनाव होने में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां पूरी एक्शन मोड में नजर आ रही है, पूरे तरीके से अपनी ताकत को झोंक दी है। बता दें कि 4 मई को पहले चरण का चुनाव होना है, जिसको देखते हुए सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। बता दें निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टी सभी दल एकदम तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं प्रत्याशी अपने वार्ड में जा रहे हैं, जनता की समस्याएं सुन रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं और जनता का विश्वास जीतने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल नगर संग्राम में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।